दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वन वर्ड डिनोटिंग मैरिज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों पहला है एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। जब कोई व्यक्ति शादीशुदा के अलावा जो किसी और औरत या पुरुष से अगर वो संबंध रखता हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हो, तो उसको बोलते हैं एडल्टरी। एलिमोनी, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के बाद जब पत्नी को जो भत्ता दिया जाता है उसे बोलते हैं एलिमोनी। बाइगेमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम। एक समय में दो शादी अगर कोई व्यक्ति करता है, दो बीवी रखता है या दो पति रखता है, तो उसे बोलते हैं बाइगेमी, और जो व्यक्ति रखता है उसे बोलते हैं बाइगेमिस्ट। सेलिवेसी, सेलिवेसी ए स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। जो ब्रह्मचर्य होता है, जो व्यक्ति जो लड़का शादी नहीं करता है, उम्र भर शादी नहीं करता, उसको बोलते हैं, जीवन भर शादी नहीं करता, उसे बोलते हैं सेलिवेसी। कंकुबिनेज, लिव इन रिलेशनशिप ए मैन एंड वुमेन लिविंग विदाउट बींग मैरिड। एडा वैक्सी, ऐसा व्यक्ति जिसको लिव इन रिलेशनशिप में जो रहता हो बिना शादी के, एक औरत और एक पुरुष जो बिना शादी के साथ साथ रहता हो, उसको बोलते हैं कंकुबिनेज। मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज। ए पर्सन हु हेट्स मैरिज इज अ मिसोगैमिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता हो उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। मैट्रीमोनी, ए स्टेट ऑफ बींग मैरिड, है ना, शादीशुदा उसे बोलते हैं मैट्रीमोनी, द स्टेट ऑफ बींग मैरिड। मोनोगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम। एक बार में एक ही व्यक्ति से शादी करना मोनोगैमी कहलाता है। मोनो का मतलब एक और गैमी का मतलब होता है शादी करना, और बाई का मतलब दो और गैमी का मतलब होता है दो। जो व्यक्ति दो शादी करता है उसे बाइगेमी कहते हैं, बाइगेमिस्ट कहते हैं। और एक दो एक एक बार में दो शादियां करता है, दो शादी करता है उसे बाइगेमी कहते हैं। मोनोगैमी मतलब एक शादी करने की प्रथा को मोनोगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1000 एट ए टाइम। मतलब एक से कई सारी शादियाँ, है ना, कह सकते हैं कई सारी शादियाँ जो करता है। पॉलीगैमी का मतलब यहाँ पर स्लिप ऑफ द पेन है दोस्तों, स्लिप ऑफ द हैंड है, 1000 नहीं होगा। पॉलीगैमिंग का मतलब होता है मोर देन वन मैरिज, कहने का दो या दो से अधिक शादियाँ। दो शादी तो बाइगैमी, एक शादियाँ अगर करता है उसको मोनोगैमी, और ऑटोगैमी का मतलब होता है जो सेल्फ से मैरिज करता है। पॉलीगैमी का यहाँ पर मतलब होता है जो एक से अधिक शादियाँ, दो या दो से अधिक शादियाँ करता है। पॉलेंड्री, पॉलेंड्राई का मतलब द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग 1000 एट ए टाइम, एक बार में 1000 से शादी करना पॉलेंड्राई कहलाता है। एस्पिनिस्टर का मतलब होता है एन ओल्डर वूमेन हु इज नॉट मैरिड। ऐसी बड़ी उम्र की महिला जिसने अविवाहिता, जो अभी तक शादी नहीं की हो, उसे बोलते हैं एस्पिनिस्टर। और सेलिवेसी, ब्रह्मचर्य लड़का को, और जो लड़की होती है जो बहुत दिनों तक शादी नहीं करती है, बहुत उम्र बीतने के बाद भी शादी नहीं करते, उसको एस्पिनिस्टर कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।